हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह उठने के बाद वो तो क्या, वैसे मैं लेट ही उठता हूँ, उठते ही मैं सीधा यहाँ पे आऊँ। नाइट को एक काम किया नहीं था क्योंकि मेरे पास वायर की कमी थी, और दूसरा पूरे दिन भर में रूम हीट हो गया था तो लाइट कनेक्शन काट देंगे, फिर ये काम करेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दिन में वैसे ही परेशान थे काम से। ये बल्ब वगैरह जो ऐसे टंगे हुए ना, ये सब हटाने हैं। तो सबसे पहले ये वाला ही काम करते हैं, अभी तक चाय भी नहीं पिया, सीधा ही काम करने आ गया। यहाँ पे जो भी वायर थे तो यहाँ से लेके जो बल्ब लगा था वो सारा वायर हमने हटा दिया और बल्ब वहाँ पे लगा दिया, वहाँ से कनेक्शन दे करके। और इधर जो गर्दन में जो वायर आ रहा था इस रूम में, जो यहाँ से जो वायर आ रहा था, जो इधर से ऐसे टांग रखा था, जो गर्दन में आ रहा था, वो भी हमने हटा दिया है। ये वायर यहाँ पे है और सीधा ऊपर से उधर से इसका कनेक्शन दे दिया। अब वायर है चल ठीक है, अब अपने इलेक्ट्रिशियन वाले नहीं हैं और नहीं अपने पास वो सुविधाएं हैं जिससे हम वायर अंदर से दे सकें, लेकिन हमने कोशिश की। निकाल दिए सारे, तो लाइट की चाहिए फिर हैं, लाइट आ रही है सब जगह, इसमें वो रही, बल्ब भी तो लगा था यहाँ पे। हाँ तो उन्होंने इतने सारे वायर लगाए थे, क्यों लगाए थे उसको? वो घर पे तो अपन थे नहीं काम करवाने वाले, आप बच्चे लोग थे, आपको बोल दिया कि ऐसे होगा वैसे कर दिया। ये वाला जो रास्ता है ना, इससे डीजे तो अंदर आता नहीं है, तो दूसरा जो रास्ता है वो आता है इधर ढाने से, अंदर से घूम के घर के पीछे की साइड से। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं, जगह ऐसी है जिनपे तो छज्जे हैं ना, वो आ जाते हैं बीच में। तो डीजे वाले को बुलाया कि वो रास्ता देख लें एक बार, अंदर आ जाता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो फिर स्पीकर ही लेके जाएंगे घर के अंदर। वो कुछ छज्जे वगैरह हैं घर के, वो डीजे हाइट होती है डीजे की तो वो ऊपर टच ना हो जाए। गेट पे बुला लिया लेकिन वो अभी तक आया नहीं, यहाँ धूप में खड़ा हूँ। पसीना कुछ ज़्यादा आ गया लेकिन काम अपना हो गया, किचन में भी लाइट लग गई वहाँ पे, जो यहाँ चालू होगी और वो पावर है वहाँ पे। देखो कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं दिख रहा है। अभी नहा लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मार्केट से आए हैं और यहाँ से लेने हैं फूल और गुब्बारे वगैरह सजावट के लिए, वो सब ले लिए। इसमें सारे गुब्बारे वगैरह सजावट का जो भी सामान है घर पे वो सारा है, और ये दजा वगैरह के लिए हैं। और फूल लाने गए यहाँ से, घर से फूल बुक करके गए थे कल, वो लाने के लिए गए। अभी थोड़ी छाया हो रही है वैसे तो, लेकिन गर्मी वैसे ही है। सबसे बड़ी बात है घर का काम भी चल रहा है साथ में, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो कम्प्लीट नहीं हुआ तो वो काम भी चल रहा है, वो भी साथ में कर रहे हैं। और साथ में प्रोग्राम आ गया गृह प्रवेश का, तो ये भी हो रहा है। और कल वो लाइट वाले कैसी लाइट लगा के गए थे, देखा ही था कल कब लोग, अब उनको सुधारा जितना सुधार सके। बाकी चैन नहीं थी, वो जिससे वो वायर खींचते ना वो वाली चैन नहीं थी, वरना तो बाहर एक भी वायर नहीं दिखता। अभी हलवाई के बर्तन वगैरह लेके आने हैं। और सबसे अच्छी बात, डीजे वाले को रास्ता दिखा दिया, उसने हाँ कर दिया कि डीजे मैं अंदर ले आऊँगा, पीछे वाले रास्ते से किसी का कोई छज्जा वगैरह वो टच नहीं होगा, आराम से अंदर आ जाएगा। मतलब हलवाई वाला सामान भी आ गया, बर्तन वगैरह सब। भागम भाग हो रही है टोनी, कैसे भाग रही है, कैसे दौड़ रही है, वापस मार्केट जा रहे हैं। मौसम का भला हो, उसने बहुत बढ़िया कर दिया। और अभी चक्की पे जा रहे हैं आटा लाने के लिए, वैसे मार्केट अभी जाके आए थे। मैं तो रुक नहीं रहा हूँ, लगातार दौड़ रहा हूँ, बस आया गया यही हो रहा मेरे साथ तो। तो बढ़िया है, पंडित जी भी आगे घर पे ले आए हैं, पीछे हम दो, एक आगे एक पीछे रखा है। और घर पे पहुँचे नहीं उससे पहले दोबारा से बोल दिया कि मार्केट जाके ना, जल्दी से घर पे आओ जल्दी से। तो फिर से हम वैसे ही दौड़ के जा रहे हैं जल्दी से, इसके लिए आएँ मार्केट, इसके लिए। सुंदर है ना चोपड़ा, पूजा में चाहिए ये, भूल गए थे लेना। और हमें चाहिए जो, सर जी जो कैसे दिया? मार्केट में ही था, इतने में ममता सुधा का कॉल आ गया कि हमें लेने आओ, हम पहुँचने स्टैंड पे, बस से आए हैं वो। दूसरा घर पे तो सामान लेना है, मतलब पूजा के लिए कुछ और सामान भी लिया था घर पे, वो पूजा का सामान देना है तो उनके लिए जल्दी है क्योंकि पंडित जी आ गए। अब मैं उनको मार्केट से स्टैंड पे लाने जाऊँ तो इधर लेट हो जाए, और अगर वो स्टैंड अगर मैं घर पे देने आऊँ तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, जो डुंडोल फाटक है ना वहाँ पे रुक जाओ, लगभग सेम ही पड़ता है, बस स्टैंड पे जाएंगे वही 4-5 किलोमीटर पड़ेगा, वही 5 किलोमीटर लगभग अपना डुंडोल फाटक पड़ता है, तो डुंडोल फाटक पे आ जाओ, इधर आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप जल्दी भी पहुँच जाओगे और इतने में मैं भी फ्री होकर वहाँ पर आ जाता हूँ। तो अभी उनका कॉल आ गया है, कॉल आ गया उनका भी, वो भी पहुँच गए हैं। मैंने सही आइडिया लगाया है कि मेरे दोनों काम हो जाएं, अब मैं घर जाकर वापस घूम चक्कर जाता बस स्टैंड पे तो मेरे को टाइम लग जाता। तो मैं टाइम से आ गया, वो यहीं पे खड़े हैं, किधर खड़े हैं
दिख नहीं रहे, वो उस कोने पे खड़े हैं, उस वाले पे। हाँ पहुँच के देखो, वो रहे तो पता नहीं था कि तीन लोग आए, मैं सिर्फ दो लोगों को लेने आया था और यहाँ पे चार बन गए और मैंने बाइक को गाड़ी बना दी। हमारे जो पंडित जी है ना, वो उन्होंने सामान मंगवाया है, लिस्ट दी थी बड़ी सारी, खूब सारा सामान था उसमें, लेकिन उसके बाद भी उनसे कुछ सामान पता नहीं कैसे भूल गए क्या। तो उनको तो बस पूजा कर रहे हैं, उनको तो बस वो जब ज़रूरत पड़ती है ना तब बोलते हैं हाँ वो लेके आओ। अरे भाई लेके कहाँ से आए, आपने मंगवाया तो नहीं है सब, तो बार बार भेज रहे हैं, तो इस बार अच्छे से पूछ के आए क्या क्या कमी रह गई। तो वापस आए मार्केट, ऐसे तो हो रही है लेट, बार बार आना जाना आना जाना। जैसे कैमरा अगर कोई हाथ में देखता है ना तो ऐसे देखते हैं जैसे कि हम तीसरी दुनिया के लोग हैं जो यहाँ पे आ गए, और ये बाइक पे बैठा बैठा समोसा खा रहा है। इधर हमने पेड़े लिए हैं तो वो तोल रहा है अंदर से, तो इतने नीचे बैठा बैठा समोसा खा रहा है, इसको समोसा खाना था। भाई साहब देखने कैमरे में नहा धो लिए हैं, और प्रिंस तो हमारे पास ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है प्रिंस। प्रिंस कहाँ है तू आज? छत पे बैठा हूँ चाय पीने के लिए, पता है नीचे रहूँगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बोल ही देगा। अनिल चाय छोड़ ये वाला कर। जय हो, हालत हमारी हो गई गर्मी से खराब। गर्मी से ख़राब क्या, होम हुआ है अभी, होम हो गया कंप्लीट। आज का जो काम था अभी खाना पीना डीजे बजाना नाचना गाना रहा बस। पंडित जी से मिल रहे हैं दीदी और जिया जी। हाय गाइस, तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने व्लॉग को अच्छे से इंजॉय किया। अगर व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा व्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।